खूब मन से पढ़ाई लिखाई किया, खूब अच्छे से पढ़ते लिखते रहे, क्लास में कभी कभी टॉप भी किए, लेकिन ये क्या हुआ, नौकरी ही नहीं लगी। जॉब के लिए अप्लाई किया, कई बार इंटरव्यू दिया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। तो क्या नाकामयाब हो गए? हमारा पढ़ना लिखना क्या बेकार हो गया? ऐसा नहीं है। क्या हम निराश हो जाएं, नाराज हो जाएं, खुद से नाखुश हो जाएं, खुश रहना छोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, कतई ऐसा नहीं। क्या हमने पढ़ाई ये सोचकर की थी कि पढ़ लिख कर नौकरी लगे या नौकरी लगेगी तभी माना जाएगा कि हमारा पढ़ना लिखना सफल हुआ? देखिए, जहाँ तक पढ़ने लिखने की बात है तो ये नर्सरी से LKG UKG क्लास फर्स्ट सेकेंड तक तो पढ़ना लिखना आ जाता, हम लिटरेट कहलाने लगते हैं कि हम साक्षर हैं। लेकिन हम एजुकेशन लेते जाते हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन एंड उसके आगे PG एंड ऑल है, तो क्या सिर्फ नौकरी के लिए? ऐसा नहीं है। हाँ, नौकरी करना चाहिए, नौकरी लेना चाहिए, नौकरी पाना चाहिए, नौकरी की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ तो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि शिक्षा का जन्म क्यों हुआ, शिक्षा का विकास क्यों हुआ। क्या एजुकेशन का अर्थ यही है कि बस हम नौकरी पा जाएं तो माना जाए कि हमने खूब अच्छी एजुकेशन ली है? नहीं नहीं भाई, आप जॉब को सक्सेस से जोड़कर मत देखो। सक्सेस मीन्स ऐसा नहीं कि आपको जॉब लग गई तो आप सक्सेस हैं, जिसको जॉब नहीं लगी वो सक्सेस नहीं है। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई कम की है, नौकरी भी नहीं कर रहे, फिर भी अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। क्या कहा जाए उनको कि वो सक्सेस नहीं है? तो ऐसा नहीं है। एजुकेशन का मतलब ही होता है कि आप एक अच्छे इंसान बने, सोचने समझने की तर्क शक्ति आपके अंदर विकसित हो, लोगों से तर्क कर सके। याद रहे, कुतर्क नहीं, यानी कि सामने वाला अगर कोई बात सच कह रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट कर सके, मान सके। पढ़ाई लिखाई का इतना सा मतलब है कि आपको हर चीज की आसपास की जनरल अवेयरनेस हो, चाहे वो बात सांसारिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, या धार्मिक हो, या आर्थिक हो, हर तरह की जानकारी थोड़ी बहुत हो, ताकि आपको कोई राजनेता या तो धर्मगुरु बेवकूफ ना बना सके, थोड़ी देर में गधा ना बना सके। ये याद रहे, शिक्षा इसीलिए ली जाती है ताकि उत्तरोत्तर विकास हो सके। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पर्सनालिटी ग्रूमिंग, हमारी पर्सनालिटी डे बाई डे ग्रूम होते रहे। देखिए, कहा भी जाता है कि मरते दम तक तालीम हासिल करते हैं, इल्म को लेते रहते हैं। इसका ये मतलब तो है नहीं मरते दम तक नौकरी के लिए कोशिश करते रहते हैं, यानी कि अगर पढ़ाई के बाद आपको जॉब लग रही है बहुत अच्छी बात, नहीं लग पाई तो भी कोई बुरी बात नहीं कि आप निराश हो गए, फिर कोशिश करिए, फिर कोशिश करिए। याद रखिए, जॉब नहीं लगेगी तो क्या, आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, अपनी सराउंडिंग हेल्दी रखना शुरू कर देंगे। देखिए, हेल्दी सराउंडिंग से होता क्या है कि आपके अंदर अच्छे हार्मोन स्रावित होने लगते हैं जो कि हैप्पी रखते हैं। तो अब से याद रखिएगा कि पढ़ाई का ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ लिख कर खूब पैसे कमा रहे हैं या अच्छी जॉब लग गई तभी आपके पढ़ाई का मकसद कामयाब हुआ। नहीं, ठीक है, जॉब तो करना ही चाहिए। शिक्षा का मतलब देखिए होता क्या है कि आप जागरूक हो सकें, अपने बारे में जान सकें, समाज के बारे में जान सकें, संसार के बारे में जान सकें, और अपने जीविकोपार्जन के साधन उत्पन्न कर सके। इसका मतलब ये कतई नहीं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तभी आपकी शिक्षा सफल है, आप बिजनेसमैन बन जाएंगे तभी आपकी शिक्षा सफल है, या तो आपको नौकरी लगेगी तभी आपकी शिक्षा सफल, ऐसा कतई नहीं है। शिक्षा का मतलब ही हुआ कि आप जागरूक हैं, अवेयर हैं, लोगों का सम्मान करना जानते हैं, आपके अंदर एटिकेट्स, मैनर्स, वैल्यूज, मोरालिटीज का नॉलेज है, इंटेग्रिटी फॉलो करते हैं, लोगों को साथ लेकर चलते हैं, खुश रहते हैं, लोगों को खुश रखते हैं, जीते हैं और लोगों को जीने देते हैं वाले फार्मूले पे काम करते हैं। ये है शिक्षा का असली मतलब। शिक्षा में आप वैल्यू लोगों की समझते हैं, लोगों को वैल्यू देते हैं, साथ ही साथ अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बनाते हैं। इसलिए अब ये मत सोचिएगा कि मैंने खूब पढ़ा लिखा, खूब मेहनत की, टॉप भी करता रहा, नंबर भी अच्छे आता रहे, फर्स्ट डिवीजन पास होता रहा, रैंकिंग में ऊपर रहा, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं नाकामयाब हूं। नहीं, कतई नहीं, ऐसा नहीं है।